सो गाइस, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में कुल यहाँ पे 20 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड मैच नंबर 20 वेस्ट इंडीज वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन के बीच में खेला गया था एंड ये मैच पाकिस्तान वुमेन की टीम जीत चुके हैं। पाकिस्तान वुमेन को इस वर्ल्ड कप में पहली जीत मिली है एंड वेस्ट इंडीज वुमेन के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि क्वालिफाई कर जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज वुमेन की टीम अभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी चार टीम है जो यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लो, यहां पे बात करते हैं सबसे पहले टीम की। तो गाइस, सबसे पहले टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑफ कोर्स रहने वाली है, बिकॉज़ यहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑफिशियली क्वालीफाई कर चुके है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 मैचेस के लिए जिसमें से 5 मैच जीती है 10 पॉइंट के साथ। इनका नेट रेट +1.424 का था। यहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम अब आराम से आने वाले 2 मैचेस जीते या हारे सेमीफाइनल का मैच खेलने वाली है। एंड जो दूसरी टीम है वो यहां पे साउथ अफ्रीका की टीम है। साउथ अफ्रीका वुमेन की टीम अभी दूसरे स्थान पे, जहां पे 4 मैचेस के लिए 4 मैचेस जीती है एंड 8 पॉइंट इनके पास है। एंड इनको क्वालिफाई करने सेमीफाइनल के, तो अपने बचे हुए 3 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीतना होगा एंड 1 मैच जीतते ही साउथ अफ्रीका की टीम भी क्वालिफाई कर जाएगी। तीसरी टीम यहाँ पे इंडिया की टीम रहने वाली है। इंडिया की टीम के भी अच्छा सिनेरियो निकल के आ रहा है, अभी भी 2 मैचेस बचे हुए हैं एंड इंडिया की टीम 5 मैचेस 2 मैच जीती है, 3 मैच हारी है, 4 पॉइंट है एंड अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीत जाते तो डेफिनेटली इंडिया की टीम भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इंडिया के अपकमिंग मैचेस बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका खिलाफ होने वाले, ये दोनों मैचेस अगर जीत जाते तो क्वालिफाई कर जाएगी। अगर 1 मैच हारेगी तो यहाँ पे 50-50 रहेगा एंड अगर दोनों मैचेस हारती है तो बाहर हो जाने वाली है। एंड जो चौथी टीम है वो यहाँ पे वेस्ट इंडीज की टीम रह सकती है, वेस्ट इंडीज या फिर इंग्लैंड में से कोई एक टीम रहने वाली है। वेस्ट इंडीज का ज्यादा इजी सिनेरियो निकल के आ रहा है, बिकॉज 6 में से 3 मैच जीती है, 3 मैच हारी है एंड वेस्ट इंडीज वुमेन के पास टोटल 6 पॉइंट्स है एंड इनके 1 मैच बचा है जो यहाँ पे आखिरी मैच साउथ अफ्रीका वुमेन के खिलाफ खेलने वाली है एंड अगर वो मैच जीत जाती है तो वेस्ट इंडीज वुमेन की टीम भी क्वालिफाई कर जाएगी। तो गाइस, ये 4 टीम मेरे अकॉर्डिंग है जो यहाँ पे क्वालिफाई कर सकती है। अभी भी इंग्लैंड की टीम है जो यहाँ पे क्वालिफाई कर सकती है, जहां पे न्यूजीलैंड वुमेन की टीम, बांग्लादेश वुमेन की टीम, पाकिस्तान वुमेन की टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी जो 7 टीम्स है उनमें से 3 टीम क्वालिफाई अभी भी कर सकते हैं। तो गाइस, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा कौन सी 3 टीम है जो यहाँ पे क्वालिफाई कर सकती है? आप भी अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ वीडियो को पैन करते हैं, आपको थोड़ी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैक्स और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस, उम्मीद आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।